महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर अब बयान तेज होते जा रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 50-50 फॉर्मूले में सीएम पद के दावे को ठुकरा दिया, फिर शिवसेना के संजय राउत ने पलटवार किया। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय कांकड़े ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि शिवसेना के करीब 45 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, जो उनके साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। बता दें कि शिवसेना के कुल 56 विधायक इस बार चुनकर आए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि शिवसेना के 56 में से 45 विधायक भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहते हैं। वह लगातार कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार में उन्हें भी शामिल किया जाए। उन्होंने दावा किया है कि विधायकों की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि आप कुछ भी करिए, लेकिन हमें सरकार का हिस्सा बनाइए। हालांकि बाद में संजय कांकड़े ने कहा कि ये सभी 45 विधायक एक ही बात कर रहे हैं कि शिवसेना और भाजपा की सरकार बनाए। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को कुल 161 सीटें मिली हैं। इनमें से 105 बीजेपी और 56 शिवसेना के पास हैं। मंगलवार को ही देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया था कि शिवसेना के 50-50 फॉर्मूले में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी बी या सी प्लान का विचार नहीं कर रहे हैं, ये तय है कि वही राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के बयान के तुरंत बाद शिवसेना की तरफ से पलटवार आया था। संजय राउत ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस अपने वादे से मुकर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि हम अपना हक मांग रहे हैं। शिवसेना और भाजपा के बीच चुनाव नतीजों के बाद से ही ऐसी बयानबाजी चल रही है। अब देखना होगा क्या सच्ची में अब भाजपा को नष्ट कर देगी शिवसेना या शिवसेना भाजपा को नष्ट करेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें SPN9 न्यूज़ पर। हर्ष की रिपोर्ट।